सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब यहाँ तो विकास का मुद्दा है, कोई काम नहीं हुआ है तो भाई अब तो सरकार के परिवर्तन चाहते हैं। समझिए कि 10 साल हो गया इनको रहते हुए, 10 साल में हरिजन वाले बच्चों का कानों कोई भर्ती या कानों की नहीं करवाई है। केवल झूठे वादे करते हैं, आज तक तो कभी रोजगार दिए ही नहीं ढंग से। अगर रोजगार दिए तो हम लोग क्या ऐसे घूमते हैं। तीनी जी का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। वही तो भयमुक्त है भाई। क्या सुनती है गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सुन रही है? बीजेपी सुन रही है या 10 साल से सरकार है? क्या कर लिया हमारे खेत के लिए? 400 पार तो बोल रहे हैं, सब हवा हवाई की बात है, आएगी तो नहीं। हाँ, 400 पार इनका अगर आ भी जाएगी तो संविधान निश्चित है कि बदल जाएगा। कोई के कहीं मत है, किसी का कहीं मत है, लेकिन ज्यादातर हाथी है। ज्यादातर हाथी है क्योंकि ये अनुसूचित जात की गाँव है ना, तो ये तो जानते हैं कि अनुसूचित जात बहन जी के लिए रिजर्वेशन है, कहीं देगा तो नहीं मानेंगे लोग। सीसीए में आपका स्वागत है। अपने चुनावी सफर में घूमते घूमते हम अभी लखीमपुर खीरी की खीरी लोकसभा जो है उसमें हम पलिया विधानसभा में हैं। पलिया विधानसभा के कृष्णानगर गांव है। कृष्णानगर गांव में अभी हम हैं। ये मुख्य रूप से एक दलित बाहुल गांव है, ज़्यादातर दलित समाज से लोग यहाँ रहते हैं और दलित वोट यहाँ पर बहुत हैं। पासी समाज, जाटव समाज, धोबी समाज सबका मिला के लगभग 4-4.5 लाख वोट यहाँ पर इस लोकसभा में हैं। क्या रुझान है इस बार खीरी लोकसभा में दलितों के, दलित समाज के बीच में? आइए बात करते हैं। जी साहब, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, क्या करते हैं? बस बेरोजगार हैं सब। बेरोजगार हैं? कितना पढ़े हैं? प्लस टू फाइनल किए हैं बस। इंटर कर लिए हैं? तो फिर अभी ये पुलिस का जो निकला था पेपर, वो सब अप्लाई किए थे जो पेपर लीक हो गया? अप्लाई तो नहीं किए थे, पहले जो हम लोग आर्मी उर्मी वैकेंसी देखते थे तो उस उम्र के हिसाब से देखते थे सब। जब तक हम लोग का मतलब वैकेंसी देखने का टाइम आया तो मतलब इनकी सरकार बन गई। कुछ दिन तक भर्ती चली इनकी सरकार में, 2014 तक लास्ट तक। उसके बाद मान लीजिए उम्र हो गया, फिर हम लोग वैकेंसी लाना ही बंद कर दिए। पहले हर गांव में नौजवान युवा हर 6 महीने में हो जाता था आर्मी में, 1-2 लड़के हो जाते थे सरकारी मतलब आर्मी में या पुलिस में लग जाता था। असल ज़्यादातर यहाँ के जो नौजवान युवा हैं वो सबसे ज़्यादा फोर्स लाइन का मतलब चॉइस करते हैं जाने में। हाँ, जाने के लिए अब वैसा सिस्टम रहा ही नहीं, तब से हम लोग एकदम खराब ही निकल गए। बाहर रहते हैं तो 12-13 हज़ार की नौकरी मिलती है, उसी में खर्चा, रूम भाड़ा, बचता खुचता क्या है 6-7 हज़ार रुपया बच जाता है। चलिए एक चीज़ बताइए फिर, ये आप कह रहे हैं बहुत दिक्कत है जो आप कह रहे हैं रोज़गार की, क्योंकि मोदी जी ने तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां साल की देंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बनता हुआ तो नज़र आ नहीं रहा है जो आपकी बातों से लग रहा है। नहीं, इस समय तो बस केवल झूठे वादे करते हैं, आज तक तो कभी रोज़गार दिए ही नहीं ढंग से। अगर रोज़गार दिए तो हम लोग क्या ऐसे घूमते हैं? शादी भी नहीं हुई, शादी करने का उम्र था, बहुत लड़के ऐसे ही रह गए हैं। हाँ, रोजगार के चक्कर में कि चलो अच्छा नौकरी मिल जाता तो हम लोग शादी विवाह कर लें, फैमिली लेकर आए खुशी से। कुछ नहीं है, ना खेती है ना बारी है, ऐसे ही हैं। पढ़ लिख के भी बहुत लड़के बेकार पड़े हैं। तो ये बताइए, अभी इस चुनाव में भाजपा के 3-4 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने बयानों में कह दिया हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदल जाए। आपको लग रहा है कि इनकी मंशा है संविधान बदलने की? इनकी मंशा तो देखिए है संविधान बदलने की। हाँ, वैसे 400 पार तो बोल रहे हैं, सब हवा हवाई की बात है, आएगी तो नहीं। हाँ, 400 पार इनका अगर आ भी जाएगी तो संविधान निश्चित है कि बदल जाएगा जी। ये बताइए फिर, इस बार आप कहाँ वोट कर रहे हैं? इस बार जी इंडिया गठबंधन को। तो यहाँ तो सपा है इंडिया गठबंधन जी? हाँ, सपा को ही देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, दलित समाज से एक समय पर तो ज़्यादातर, क्योंकि इधर भी कालरा साहब भी खड़े हैं भाजपा बसपा से, इस बार उस तरफ रुझान नहीं है? रुझान है उनके तरफ भी। हाँ। जो दलित हैं एक तरफा वोट गिरेगा उनके मतलब पक्ष में, और जो इंडिया गठबंधन में कुछ दलित कुछ पिछड़े सबसे अधिक समाजवादी को देंगे। हाँ, तो मतलब इस बार बट रहा है, एक तरफा मतलब बसपा के लिए नहीं होगा? एक तरफा यहाँ बसपा के लिए नहीं है, नहीं अधिक से अधिक समाजवादी के लिए। समाजवादी हाँ, गठबंधन। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? भगत। भगत। भगत जी क्या करते हैं? एक दिहाड़ी वाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी। ये बताइए, 10 साल इस सरकार के रहे हैं, मोदी सरकार के, मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं?
मजदूरों के लिए जैसे पहले हम लोग करते थे सब वैसे भी अभी कर रहे हैं। कुछ सुधरा नहीं है? कुछ नहीं सुधरा है। वो तो कह रहे हैं हम 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन से थोड़ी हम लोग की जिंदगी पार हो जाएगा। महंगाई का बहुत दिक्कत है। तब सिलेंडर मिला? सिलेंडर घर वाले के नाम से मिलता है, सब तो औरतों के नाम से मिलते हैं, तो मान लीजिए औरतें मारनी पड़ती हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नहीं चलिए औरतों के नाम से मिल रहा है बुरी बात नहीं है, लेकिन महंगाई जो हुई है सिलेंडर की उससे कितनी दिक्कत हो रही है। वो तो दिक्कत हो चाहे कुछ, हमको नाम से तो कुछ नहीं मिल रहा है। आपके नाम से नहीं है, औरतों के नाम से, घर द्वार उनके नाम से मिल रहा है, आवास गैस सिलेंडर उनके नाम से मिल रहा है। हम मान लीजिए कहीं से काम करके आए, थोड़ा बोल दें तो कहते हैं सब अपना जाओ बनाओ खाओ अलग। तो ये बताइए कि यहाँ गाँव में कितने बच्चों की सरकारी नौकरियाँ लग जाती है? कहाँ, सब ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, सब घूमते हैं। अच्छा मजदूरी, मजदूर कार्ड है अपना? हाँ लेबर कार्ड है। लेबर कार्ड तो नहीं है? नहीं है ना। तो दिक्कतें तो बहुत हो रही होंगी लेबर कार्ड के बिना, तो फिर कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता है। अच्छा तो बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं? 10 साल तो आप कह रहे हैं इतने खुश नहीं है, आप तो कह रहे हैं घर में कलेश करवा दिया, लेकिन ये तो औरतों के हाथ में कुछ हो तो अच्छा है ना, उनको भी थोड़ा सा। बाबा साहब बोले थे कि किसी भी समाज में औरतों की भाई समृद्धि बहुत ज़रूरी है, बट खैर उस पर बाद में। बट ये बताइए अभी 10 साल आप कह रहे हैं मजदूरी के चलते आपको बहुत दिक्कत रही है, क्या इस बार वोट के लिए क्या सोच रहे हैं? वोट के लिए तो हम तो यही सोचेंगे, देखिए ना पढ़े हैं ना कुछ, हम नहीं पढ़े हैं मगर हम भी सांसद बाबा साहब बनाए हैं विधान के, 5 साल के बाद हर आदमी को बदलना चाहिए। बिल्कुल हैं, तो आप बदलना चाह रहे हैं? हाँ बदलना चाहते हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं इस बार? हम जाएंगे यही मायावती बहन के साथ। आप हाथी पर जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ये मत बोलिए आप पढ़े लिखे नहीं है भाई, ये तो पढ़ हो पढ़ा लिखा हो, बाबा साहब का संविधान तो यही तो खूबसूरती है कि सबको एक मत मिलता है उसमें, सबको एक वही अधिकार मिलता है वोट का, तभी तो ये संविधान इतना ज़रूरी है, तभी इतना लोग परेशान भी हुए हैं जब इन्होंने कहा संविधान बदलेंगे 400 पार पर। चलिए ये बताइए साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रईस है। रईस सिंह। रईस जी क्या करते हैं? यही मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं? कैसे रहे हैं 10 साल मजदूरों के लिए? मजदूरी ऐसे ही रही है। मजदूरी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से? नहीं मजदूरी तो उतनी ही है। उतनी ही है? हाँ। कद कितना हो रहा है फिर? महंगाई के हिसाब से बहुत दिक्कत है। अच्छा राशन मिल रहा है? हाँ राशन तो मिलता है, उससे क्या होना है, पूरा नहीं पड़ता उससे, बाकी भी खर्चे बहुत हैं। सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? बच्चन लोग को इधर गाँव में मिल रही है सरकारी नौकरियाँ? नहीं 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 नहीं, बहुत बेचारे फॉर्म भर के घूम रहे हैं। फॉर्म भर के तो इस बार तो पेपर भी लीक हो गया। पेपर बहुत लीक हुए हैं। बहुत दिक्कत हुई। बताइए क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो देखा जा रहा है अब कि बदलाव कुछ और आ रहा है। बदलाव की तरफ सोच रहे हैं? बदलाव के लिए तो फिर आपके लिए 2 यहाँ पर मुख्य जो विकल्प हैं, एक तो आप, एक हाथी है और एक साइकिल है। तो आप किधर जा रहे हैं? साइकिलें चल रही है। साइकिल चल रही है इस बार? इस बार आप हाथी पर नहीं जाइएगा? हाथी पर नहीं जाइएगा? नहीं हाथी भी ठीक ही है, उसकी सवारी बहुत कर ली, इस बार साइकिल की सवारी करनी है। ठीक चलिए इनसे बात करते हैं, वापस इधर आ गए। क्या नाम हुआ साहब? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी क्या करते हैं आप? मैं सर बार्बर का काम करता हूँ। बार्बर का काम करते हैं आप? पंडित जी हैं? नहीं जात का नाम हूँ। नहीं है? नहीं नहीं है। अच्छा तो ये बताइए बार्बर का काम करते कहाँ है, दुकान कहाँ है आपकी? ये सामने है। ये है, कैसा रहा है आपकी यहाँ छोटी दुकान है, इस तरह के धंधे के लिए कैसे रहे हैं पिछले 10 साल? इस सरकार क्या जो है बहुत महंगाई भी बढ़ गया। बहुत महंगाई बढ़ गया, दिक्कत हो रहा है उससे? दिक्कत तो होना ही। अच्छा ये बताइए लॉकडाउन लगा था, नोटबंदी हुआ था, उसके बाद से धंधा पिकअप कर पाया है या कहीं फंसा हुआ है? नहीं बन पाया। क्या सोच रहे हैं चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? बदलाव सोच रहे हैं। बदलाव किधर? साइकिल की तरफ। साइकिल की तरफ। वहाँ कुछ नौजवान हैं, वो हमारे पास नहीं आए, आप हमारे पास नहीं आए, हम आपके पास आ गए। क्या नाम हुआ साहब? अनुज कुमार। अनुज जी हम चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, यही फास्ट फूड की दुकान है अपनी। ये बताओ फास्ट फूड की दुकान है, पिछले 10 साल इनकी सरकार रही है, इस तरह के आपके जैसे छोटे धंधे हैं, कितना उसमें आपको लग रहा है फ़ायदा रहा है, नुकसान रहा है, कैसा रहा है बिज़नेस, कैसा रहा है? जो है सब सही चल रहा है इस समय तो, अब बिजनेस है तो चलेगा ही।
लॉकडाउन में या नोटबंदी में जो थोड़ा सा गिरावट आया था उसके बाद चढ़ पाया है या अभी भी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किलें तो चल ही रही हैं, कौन सी घटी हुई है अभी। छोटे व्यापारियों के लिए ज़्यादा नहीं हुआ क्या इस तरह? नहीं, छोटे व्यापारियों के लिए तो कुछ नहीं है, बड़े व्यापारियों के लिए तो अदानी अंबानी के लिए हुआ, उनके लिए। हाँ, यही लोग कहते हैं उद्योगपतियों की सरकार है, छोटे व्यापारी मजदूर की तरफ कम देख रहे हैं। ये बताइए क्या इस बार सोच रहे हैं, मतलब बदलाव लाना चाह रहे हैं या? बदलाव तो आना ही चाहिए, आना चाहिए। किस तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि बदलाव के लिए या तो साइकिल है या फिर हाथी है, किस पर सवारी कर रहे हैं? कोई कंफर्म नहीं है, अभी तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, जब आएगा समय वो तो पता ही चला जाएगा। चलिए ये बताइए, आपके यहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ हाथी भी कह रहे हैं, लेकिन कई सारे जिनसे भी बात हुई है थोड़ा मन बदला हुआ लग रहा है, इस बार कह रहे हैं हाथी नहीं शायद साइकिल की सवारी करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है इस बार? वैसे लग ही तो रहा है, साइकिल की तो सवारी होनी ही चाहिए, साइकिल की सवारी। बहन जी से क्यों, मतलब इस बार बहन जी की तरफ रुझान कम क्यों हुआ? अब ये तो हमको भी नहीं पता, अब जैसा होगा पब्लिक बताएगी, अब क्या बता सकते हैं हम लोग। चलिए धन्यवाद, आइए इधर भी बात करते हैं। ताऊ जी आइए, चाचा क्या नाम हुआ चाचा? रज्जाक। हाँ, रज्जाक। रज्जाक जी क्या करते हैं? बस वो मजदूरी वगैरह करते हैं। मजदूरी करते हैं, कैसे रहे हैं 10 साल मजदूरी में? ठीक है। इस सरकार में महंगाई की दिक्कत रही है या राशन काफ़ी पड़ जाता है जो 5 किलो मिलता है? नहीं, राशन तो हमको मिलता है। मिलता है, और महंगाई उसके सामने ठीक रही है या महंगाई भी ज़्यादा? महंगाई भी सही अपने जगह पर, जब सब चीज़ महंगा मिल रहा है। तो मजदूरी भी बढ़ी है उस हिसाब से? हाँ, 300 रुपये दिहाड़ी मिल रहा है, 350 भी मिल जा रहा है। तो मजदूरी बढ़ी है। तो क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव में बीजेपी। क्यों पसंद है बीजेपी? भाई हमको 10 साल हो गया बीजेपी में रहते हुए। तो 10 साल हो गया तो मतलब वो तो लोगों को 50 साल हो गया था कांग्रेस में रहते हुए, बदले तो थे ना लोग? बदलेंगे नहीं हम। आप नहीं बदलेंगे? क्यों पसंद है इतना भाजपा ये बताइए? और भाजपा में हमको सारी विकास हमको मिल गई। विकास मिल रहा है, हमको आवास भी मिल गया, लेटरिन घर मिल गया, बिजली। अच्छा, आवास भी मिला, लेटरिन भी मिला, फायदा काफी। अच्छा, लाभार्थी जिसको कहते हैं उनको काफी फायदा है। अच्छा चाचा नमस्कार। नमस्कार जय भीम जी, क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी क्या करते हैं? किसानी उसानी करते हैं, क्या करते हैं बताइए। 10 साल खेती के कैसे रहे हैं किसानों के लिए? ठीक है, खेती तो अपने नसीब की बात है ना, कभी हो गया कभी नहीं हुआ। खुला जानवर का यहाँ भी परेशानी है हमारा? हाँ हाँ हाँ। नुकसान किए हैं? अरे बहुत नुकसान करते हैं, रात में लोगों को नींद हराम कर देते हैं। वही हम हर जगह सुनते हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर यहाँ तक घूमे हम, हर जगह ये शिकायत है। तो ये बताइए फिर, और किसान सम्मान निधि मिल रहा है? मिल रहा है, जिसके पास आए जमीन तो मिल रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ जितना नुकसान होता है उससे भरपाई? अरे उतना कहाँ मिल रहा है। हाँ, उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जा रहा है जानवरों से, रात में नींद अलगे हराम हो जाता है। अच्छा ये बताइए, ये जो भुगतान या समय से आप गन्ना उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं? गन्ना, गन्ना तो यहाँ समय से भुगतान हो जाता है? भुगतान वही 15 दिन तक का होता है। हाँ, 15 दिन के बाद फिर बढ़ता है। नहीं टाइम से नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं, वही 15 दिन का लेट मिलता है। अच्छा चलिए ये बताइए, चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? इधर हम कई लोगों से बात कर चुके हैं, कुछ हाथी कह रहे हैं, कुछ साइकिल कह रहे हैं, चाचा भाजपा भी कह गए एक, तो आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ तो विकास का मुद्दा है, कोई काम नहीं हुआ है तो भाई अब तो सरकार के परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं भाई, दूसरे का भी तो मौका दिया जाए। नहीं, लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है कि भाई सरकार जितनी मजबूत हो विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। तो ये बात देख रहा आदमी, एक बार और किसी को देखा जाए भाई। तो किसको इस बार सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार तो हाथी को देखना चाहते हैं, हाथी देख रहे हैं। ठीक है, तो समाज से क्या इस बार हाथी की तरफ ही ज़्यादा रुझान है, कुछ बिखराव है? ज़्यादा ही है, वैसे तो पूरा गांव एक तरफ नहिया है, नहीं है कोई के कहीं मत है, किसी का कहीं मत है, लेकिन ज्यादातर हाथी है, ज्यादातर हाथी है, क्योंकि ये अनुसूचित जात की ये गांव है ना। तो ये तो जानते हैं कि अनुसूचित जात बहन जी के लिए रिजर्वेशन है, कहीं देगा तो नहीं मानेंगे लोग, बहने जी को साथ जाएंगे। तो बाबू जी एक चीज़ बताइए, लेकिन एक क्या आपको भी डर है, क्योंकि बहुत जगह जहाँ हम गए हैं अनुसूचित जातियों के लोगों से
अनुसूचित जाति के अलग अलग लोगों से, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग लोकसभाओं में बात हुई है, एक सब में डर बैठा है कि ये जो खास करके संविधान बदलने की जो बात हुई है, ये तो खुला कह रहा है ना, आपको भी ये डर है कि ये तो खुला कह रहा है कि हम तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, संविधान बदल सकते हैं, तो ये आपको लग रहा है कि इससे खतरा है? खतरा तो है भाई। तो इस बार लेकिन मतलब तो इसलिए आप उधर नहीं जाना चाह रहे? नहीं जाना चाहते बीच में। अच्छा एक चीज़ बताइए बहन जी, एक समय पर बहुत मतलब जो झाड़ूवती थी लोगों के बीच में हमेशा रहती थी, दुख सुख में साथ आती थी, लेकिन पिछले सालों में बहन जी थोड़ी एक्टिव नहीं रही, कम आती हैं, भाषण भी कम दे रही हैं, चुनाव प्रचार में भी कम आती हैं, चुनाव के बीच में भी बहन जी थोड़ा कम नजर आ रही हैं। इस साल तो प्रचार बहुत इस साल थोड़ा है किया है, बट वैसे जैसे बहन जी रहती थी तो थोड़ा सा ठंडा हो गया उधर मामला? नहीं, अब बात यह है कि उम्र भी उनका ज़्यादा हो गया है, तो उम्र के हिसाब से भी तो फर्क पड़ता है ना। अब तो उनका भांजा भी आ गया, भतीजा कुमार, भतीजा, हाँ वो शायद थोड़ा सा, हाँ अब इस समय संभाल रहे हैं बढ़िया, उनके वजह से परिवर्तन होगा। अच्छा ये लड़का कैसा लगता है चंद्रशेखर? अरे चंद्रशेखर तो भाई अपने अपने समय बात है ना, जब चंद्रशेखर तो वो भीम आर्मी का ही बना है ना, तो भीम आर्मी भी तो बहुजने का है, नहीं वही हम पूछ रहे हैं, तो इसी में रहना चाहिए। अच्छा अलग पार्टी, लेकिन वो अलग क्यों बना लिया? अच्छा, आपको अब तो भीम आर्मी से टूट टूट के लोग बीएसपी में जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है बसपा में ही उसको रहना और रहना चाहिए था? नौजवानों का भी यही कहना है क्या? हाँ नौजवानों का भी यही कहना है, बिल्कुल जाना चाहिए, बहन जी लेती ही नहीं है उनको, बहन जी लेती नहीं है, नहीं संपर्क। तो ये देख लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी में थोड़ा फर्क आ रहा है, इनका कहना है कि बहन जी की गलती है, इनका कहना है चंद्रशेखर की गलती है, लेकिन जो भी है इस तरह से नई नई आवाज़ें समाज में उठनी शायद बहुत ज़रूरी भी है। तो चंद्रशेखर का ही बनता है दायित्व कि बहन जी से बात करें, अब बहन जी थोड़े ना उनके यहाँ जाके बात करेंगे कि हमारे साथ आओ हमारे साथ आओ, बुजुर्ग हैं तो उधर उम्र के हिसाब से तो लिहाज रखनी चाहिए ना। ये बात भी ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। चलिए आप बताइए साहब, नमस्कार, क्या हाल? क्या बताया जा, समझिए कि वोटिंग वाला मामला तो बहुत ख़राब ही चल रहा है। अच्छा क्यों? इस वजह से समझिए कि बच्चे जो पढ़ लिख कर इस समय फेल हुए हैं, ख़राब है, कितने वैकेंसियाँ कानों की मोदी सरकार कानों की फेल कर दिए, वो लीक हो गया पेपर जो ना, हाँ लीक हो गया, बहुत बच्चों को दिक्कत हुई, 400-400 रुपए के फॉर्म भरे थे। अब समझिए कि 10 साल हो गया इनको रहते हुए, 10 साल में हरिजन वाले बच्चों का कानों कोई भर्ती या कानों की नहीं करवाई है, यहाँ पर कोई सरकारी नहीं नौकरी मिल रही है, नौकरी नहीं मिला, मजदूरी भी मजदूर आदमी का मजदूरी भी कानों की नहीं बढ़ा, हैं अब 5 किलो राशन कोई जीवन पाल लेगा, हैं उसके अलावा भी तो बहुत खर्चे हैं घर के, खर्च भी है, दुख बिरामी है, हर एक चीज़ है, तो इसलिए कानों की सरकार कानों की अब की बात बदलना है, कांग्रेस को ही कानों के लाना है। कांग्रेस तो मतलब गठबंधन में है इधर सपा के साथ, हाँ, तो आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं? हाँ साइकिल का ही है, हाथी की सवारी इस पर नहीं, नहीं हाथी नहीं, समझिए कि हाथी तो समझिए कि हमारे हिसाब से गलत है। अच्छा हाँ, जो कहना बात सपा कर नहीं रहा हाथी के, नहीं कुछ नहीं, 10 साल कहना हो कि बच्चों का भविष्य जो खराब हो गया है, उम्र कहना हो कि ज्यादा विषय में हो चुका है, तो क्या आप भर्ती हो जाएंगे बच्चे हो? नहीं सही कह रहे हैं, मतलब तो खराब कानों हो कि मोदी सरकार कानों कर दिए। तो ये बताइए कि ये अंशे ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो 10 साल में जो नौकरी का दिक्कत इतना ख़राब हुआ है, उसके साथ साथ ये आर्मी का भी अग्निवीर कर दिए हैं, 4 साल कर दिए ना पहले, तो मतलब तो 3-3 बच्चों का कानों का भविष्य खराब कानों की हो गया है, नौकरी नहीं लगी? हाँ नहीं लगा, अच्छे खासे एम ए बी ए किए हुए हैं बच्चे, तो हम क्या माने उस चीज का? इस बार आप बात करेंगे? आइए चलिए आपसे लास्ट इनसे बात करते हैं फिर। जी क्या नाम हुआ साहब? ओमकार। क्या करते हो ओमकार? मैं ठेला लगाता हूँ, चाट की दुकान है। चाट की दुकान, कैसा रहा है 10 साल आपके धंधे के लिए? 10 साल नहीं, अभी 2-4 महीने से लगाया हूँ। अच्छा पहले क्या कर रहे थे? पहले जॉब कर रहा था, इधर उधर फैक्ट्रियों में काम करता था। तो छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया अपना कुछ, 8-10 हज़ार की नौकरी में क्या होता है आज के जमाने में, अपना कुछ शुरू करना था। हाँ नहीं तो फिर मजदूरों के लिए कुछ वहाँ पर ऊपर से कुछ कोई ऑफर नहीं था, नेपाल फैक्ट्री है वो। हाँ
नेपाल फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, नेपाल फैक्ट्री में काम करे थे, तो आप बॉर्डर पार करके इंडिया में तो 9000 नहीं मिलता है, 7000 मिलता है, वहाँ तो 10000 देता था कम से कम। तो यहाँ पर कुछ मजदूरों के लिए कोई कानून कुछ नहीं है, नरेगा में काम करो तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद पैसा आता है, क्या आता है यहाँ? बहुत दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल दिक्कत है। बताइए फिर चुनाव में क्या सोच रहे हैं? 230 रुपए की दिहाड़ी है नरेगा की, 202 है ना, नहीं 30 हो गया है, आपको मालूम नहीं शायद 30 हो गया, 30 सही कह रहे हैं, बढ़ गया थोड़ा, 30 है, 30 है। तो कहाँ 100 दिन मजदूरी भी तो नहीं मिलती हम लोगों को। कितने लोगों को यहाँ मजदूरी मिल जाती है नरेगा में, मिल जाती है ठीक ठाक लोग? अब की तो गिने चुने हमको मालूम है कि 17-18 लोग काम किए हैं पूरे, अब सोच लीजिए कितने मजदूर हैं, कम से कम कार्ड होगा 800-900। तो 100 दिन में से कितना मिल रहा है? हद से हद हमको 40 या 50 तक पहुँचते हैं, इसके बाद नहीं मिलता है, आधा ही हो रहा है मतलब, नहीं मिलता है 40 से 50 दिहाड़ी, से ज्यादा ना हो पाएगा। ये बताइए तो होता ही नहीं है। कहाँ कहाँ इस बार वोट किया सोच रहे हो फिर इतना अगर परेशान? अरे मतदान है तो अब देखिए जिसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन परिवर्तन करेंगे या? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे। तो ये बताइए आपका गांव थोड़ा बटा हुआ लग रहा है, साइकिल की कुछ सवारी कर रहे हैं, कुछ हाथी की सवारी कर रहे हैं, आप किस पर इस बार सवार होंगे? अरे मन देखिए फिलहाल तो सोचा जाएगा बदलने के लिए, जहाँ तक मेरा खेत का रास्ता रुक गया है, कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती है, यहाँ से लेके कोर्ट तक हम लोग जा चुके हैं, हमारा रास्ता कम से कम 3 साल हो गया, मेरे प्लाट का रास्ता बंद हुआ, गवर्नमेंट ने जो जमीन दी थी उसका रास्ता भी प्रधान ने पैसा खा के साला पट्टा करके मेरा काम रोक दिया, मैं आज पैदल पैदल कैसे कैसे अपने प्लाट में पहुँचता हूँ मैं जानता हूँ। क्या सुनती है गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सुन रही है? बीजेपी सुन रही है, 10 साल से सरकार है, क्या कर लिया हमारे खेत के लिए? लेखपाल आता है पैसा लेकर चला जाता है और क्या कर लेता है। मतलब ये आपका पट्टा था वो? बिल्कुल हमारा पट्टा की जमीन है, कब्जा हो गया, रामदारी बेचन कब्जा हो गया उस पर, थोड़ा सा जमीन जो रास्ता का जमीन था उसने पट्टा करा लिया विपक्ष ने। तो क्या करती है गवर्नमेंट, पैसा लेती है काम करती है उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। विधायक जी के पास भी गए थे, विधायक जी ने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा लेखपाल से, क्या किया विधायक जी ने? कुछ नहीं किया। मोदी जी कह रहे हम तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में ना माने तो चलिए हमारे साथ, मैं प्लाट में दिखाता हूँ कि मेरा रास्ता बंद है पूरा। कुछ ऐसा नहीं हुआ है मतलब? कुछ नहीं हुआ, मैं विधायक जी से भी मिला, मेरे पापा भी गए, मैं भी गया, ये भास्कर हैं जिला पंचायत रह चुके हैं संपूर्णनगर से, उनसे भी कहा गया, कितने लोगों से कहा गया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या मैं मानूँ कि योगी सरकार है चाहे मोदी सरकार मेरे लिए काम कर रही है चाहे किसी के लिए? हाँ ये है राशन खिला रही है बस, 5 साल से राशन खा रहे हैं, 10 साल से। कहाँ कह रहा है कि भय मुक्त हो गया, तिनी जी का लड़का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, वही तो भय मुक्त है भाई। अभी हम खीरी लोकसभा के कृष्णानगर गांव में हैं, दलित बाहुल गांव है, और यहाँ पर जैसे आपने सुना कि एक समय पर यहाँ पर रुझान काफ़ी हद तक हाथी की तरफ होता था, लोगों ने कहा किसी ज़माने में बीच बीच में कुछ लोग भाजपा में भी गए थे, लेकिन इस बार रुझान बटा हुआ लग रहा है हाथी और साइकिल के बीच में। लेकिन एक मत ज़रूर जो बात सबसे सुनने को मिल रही है कि परिवर्तन चाहिए इस बार, कई चीज़ों की लेकर नाराज़गी है। जुड़े रहे CCA के साथ, यूपी चुनाव का सफ़र अभी हमारा सिर्फ आधा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।